अच्छा तो बबलू जी, क्वालिफिकेशन क्या आपकी? अरे बबलू जी, कहाँ खोए हुए हो? आपसे पूछ रहा हूँ, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? अच्छा, हमसे पूछ रहे हो? और कोई बैठा है आपके सिवा यहाँ पे? हाँ बैठे हैं ना, आप बैठे हो। लेकिन यहाँ क्वालिफिकेशन बताने की जरूरत आपको है, मेरे को नहीं। अच्छा तो बता देते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन है 24 साल। अरे बबलू जी, मैंने आपकी एज नहीं पूछी, क्वालिफिकेशन पूछी है, मतलब कहाँ तक पढ़े हो आप? बस क्या बताएं, अभी पढ़ गए थे बस स्टैंड पे, उतरते समय आपकी कसम बहुत तेज पत्थर लग गया हमारे घुटने में। अरे मैं गिरने वाले पढ़ने की बात नहीं कर रहा, पढ़ाई लिखाई वाले पढ़ने की बात कर रहा हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? अच्छा वो पढ़ाई तो बहुत की है, लेकिन लेकिन क्या? हमारे समझ में आज तक कुछ नहीं आया। ऐसा क्यों? वो क्या है ना, हमारा दिमाग थोड़ा मोटा है, बस इसलिए। अरे बबलू जी, आपका दिमाग थोड़ा मोटा नहीं, पूरा ही मोटा है। एक काम करो, बेकार से डॉक्टर से अपना इलाज कराओ, फिर आना इंटरव्यू देने। इंटरव्यू तो हम आज ही देकर जाएंगे। लेकिन हमारे ऑफिस को आप जैसे होनहार एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं है, कहीं और ट्राई कर लेना। ई का बात हुई, ई मेरा 225वां इंटरव्यू है, और सबके सब हमका यही कहे कि कहीं और ट्राई कर लेना। उन सब ने आपको ट्राई करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी को 4 चांद लगाने थे, दीमक नहीं। मैं दीमक भी अच्छे से उतार लूंगा, बस मेरा इंटरव्यू अच्छे से लीजिए, हमको बकवास बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहली फुर्सत में निकल, चला जा ना, तो तेरे पे ऐसे लट बरसा दूंगा, झुककर दुल्हन की एंट्री पे फूल बरसा करे। ऐसा इंटरव्यू हम पहली बार दिए हैं जिंदगी में, बेबा तूफ नहीं था। सिक्योरिटी बाहर काटो इसने, आ जावे। रिज्यूम तो काफी अच्छा है आपका, लेकिन जो जो इस रिज्यूम में लिखा हुआ है वो सब सच है या फिर झूठ? आजकल सच्चाई कहाँ ही है सर। क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, जो इस रिज्यूम में टाइप है ना, वो सब कुछ सच है, सच के सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो फिल्म देख के आ रहे हो, डायलॉग बाजी चल रही है पूरी। क्या ही करें सर, कॉलेज पास आउट करे 7 साल हो गए, तब से कोई जॉब ही नहीं लगी, तो सोचा घर बैठे बैठे अमरीश पुरी साहब की पिक्चर ही देख लें। तो सुबह 8 से रात के 8 बजे तक की टाइमिंग होगी जॉब की, कर लोगे? हाँ कर लूंगा, पर बीच में ना 3-4 घंटे का ब्रेक दे देना, और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 12 घंटे की जॉब में से 4 घंटे का ब्रेक, ये क्या कह रहे हो आप? क्योंकि जब तक मैं दिन में अमरीश पुरी की एक पिक्चर ना देख लूं, मेरा दिन पूरा नहीं होता। अच्छा तो मिस्टर नाम क्या आपका? रिज्यूम पे लिखा हुआ है, पढ़ लो। अच्छा तो आकाश जी, आप एक काम करो, दिन के 4 घंटे ही नहीं, पूरे 24 घंटे फिल्म देखो, जाओ पहुंचो। ना ना, मेरे को बस 4 घंटे बहुत हैं। आपके जैसे एक और भले मानस को मैंने यहाँ से जाने को कहा था, लेकिन जब वो नहीं माना तो मैंने उसकी जीभ काट दी, पता नहीं तब से कुछ बोल नहीं पा रहा। हाँ हाँ जा रहा हूँ ना, गुस्सा क्यों हो रहे हो? आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। तो जॉब तो लग जाएगी ना मेरी यहाँ पे? हाँ करते हैं आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट। तो मैं कब से आ जाऊँ ऑफिस? आप ऐसा करो, कल तो संडे है, ऐसा करना परसों मंडे से आ जाना। एक बात बोलूँ सर? हाँ जी बोलो। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। आप यकीन करो, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन क्लियर हो कैसे गया? क्यों, होना नहीं चाहिए था? होना तो चाहिए था, ये मैं चाहता हूँ, लेकिन हो कैसे गया ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है? कॉन्फिडेंस तो पूरा है, लेकिन मेरे को ये लगता था कि मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। अगर आपको लगता था कि आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, तो इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस था ही नहीं। कॉन्फिडेंस तो पूरा था मेरे को, लेकिन भरोसा नहीं था मेरे को कि मैं इस लायक हूँ।
तो आपको ये लगता है आपका इंटरव्यू क्लियर होना गलत है? नहीं, गलत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने इंटरव्यू क्लियर किया कैसे। तो भाई ये क्या बात हुई, मेरे को आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी लगी तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। मेरे को बस यही बात समझ नहीं आई कि मेरे जैसे को सिलेक्ट कर कैसे लिया। ओ भाई, तू मेरे पास यहाँ पे आया है या फिर किसी ने छोड़ा है मेरे पे? आया तो मैं खुद था, लेकिन जॉब लेकर जाऊंगा मेरे को ये नहीं पता था। तो ऐसा करता हूँ, मैं आपका सिलेक्शन कैंसिल कर देता हूँ। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मेरे को अपने आप पे भरोसा नहीं है, लेकिन आपको तो है। मैं यही जॉब करूंगा, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी जॉब लग कैसे गई। सर, मैं आपसे इंटरव्यू नहीं ले रहा किसी के, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को बैठा दिया इंटरव्यू लेने के लिए। रिज्यूम दो अपना। रिज्यूम में का क्या करेगा? अरे रिज्यूम इसलिए मांग रहा हूँ, नाम और क्वालिफिकेशन भी तो देखूंगा। अरे नाम पूरे गांव में जाके पूछ लिए, नाम तो घर तक छोड़ के जाऊंगे। ये क्या बोलने की तमीज आपकी? मुंह तो ही बोला करे, तू कितने और तो बोला करेगे। बोलते तो मुंह से ही है, पर ऐसे तो मैं तेरा इंटरव्यू बना लूं। तो इंटरव्यू देन आ कौन रहा है? जिस जगह पे ये ऑफिस बन रहा है, ये जगह मेरी है। मैं तो पिछले 2 महीने का किराया लेना आ रहा हूँ, पूरे 2.5 लाख रुपए बलजीत की तय। अच्छा, मुझे लगा कोई अनपढ़ इंटरव्यू देने आ गया। अच्छा तो यो बात है, नाउ लिसन, डोंट जज अ पर्सन बाय देयर लुक्स, लैंग्वेज एंड पर्सनैलिटी। इफ यू एबल टू जज अ पर्सन फॉर अ जॉब, देन शो देयर क्वालिटी एंड टैलेंट। गॉट इट? हाँ भी लाड लो, रही बात नौकरी की, देसी नौकरी क्या नहीं करते, नौकरी पे धर लिया करे। न्यूता दिल के घने सा पनेक बावले। और सुन, बलजीत आवे तो कह दिए, गगन आया था बात कर लेगा। यार हथियार तूने गौर ना चुड़ता, इंजन बीएडीए ना शोर करता, हेटर की बोल दिया कख नहीं सुनता। हेलो गाइस, क्या हाल है सबके? तो कैसी लगी वीडियो? अरे वीडियो तो अच्छी लगी होगी हर बार की तरह, जो मेन बात है वो कर लेते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक बटन को प्रेस कर दो फटाफट। और आपको तो पता ही है अपना सॉन्ग आ रहा है। मैं बता दूं इसके बारे में? भाई तू बोल ले पहले। मैं बोलता हूँ, अपना सॉन्ग आ रहा है 7 मार्च को, जिसमें गगन सम्मी के पूरी मतलब बचपन से लेकर अभी तक की कहानी लिखी हुई है। 7 मार्च को, 6 मार्च तक हमारा है, 7 मार्च को तुम्हारा है। सुबह बस देखना चाहते हैं कितना एक प्यार दे सकते हो। प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो भी करना करना, बस शेयर कर देना। जैसा प्यार आप हमसे करते हो ना, वैसे सॉन्ग से करना और बस तबाही मचा देना। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे यार। भाई इन दोनों के होते हैं, मेरे को बोलने की जरूरत ना है, अब समझ रहे हो। तो भाई बाकी 7 मार्च को मेरा बर्थडे है, तो सुबह 10:30 बजे आ जाएगा सॉन्ग प्यार देना, जितना हो सके। गाया मैंने ही है तो भाई अच्छा ही लगेगा, मेरे को पता है ऑडियंस 1 मिलियन तक लाई है, गाने को प्यार भी देगी ही। बाकी प्यार बनाए रखो, लवी तो है ही सबको। इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ यार, थोड़े सा थोड़े बहुत आ जाओ, डालते हैं उस पे, बाकी उस पे देखते हैं। जल्दी पोस्टर भी डाल दूंगा मैं, 1 हफ्ते पहले पोस्टर डाल दूंगा, तो प्यार देना। सॉन्ग की मेहनत दिख जाएगी, हम जो हमने शूट करा है ना भाई, ये न चुपो में। चलो ठीक है भाई, 10 शूट कर रहे हैं, 7 मार्च को सुबह 10:30। हम कह रहे हैं शूट में इतना मजा आ रहा है। प्यार से गमाया गगन।